अकबर? बाइक चला रहे हो? अबुल हसन बाइक चला रहे? अबुल हसन आप बाइक चला रहे हो? बाइक चला रहे? ये आपकी बाइक है? बाएंगे हम दोनों, किसी से नहीं डरते। किसी से नहीं डरते? तो खुद कैसे जाओगे चीज लेने? जाएंगे, किसी से नहीं डरते। तो आपको स्टोर का पता है? हाँ। कहाँ पे है? वहाँ पर दुकान पे। दुकान कहाँ है? वहाँ पर मैदान में। मैदान में? रास्ता पता है आपको? हाँ, यहाँ पर। चल ये ले लो। हाँ। दोनों जाओ, इसके इसके पास है, आपके पैसे भी इसके पास है, ठीक है? दोनों। और क्या लोगे? इधर आओ, क्या लोगे? और पापा ले ले, मुझे चिप्स चाहिए, मुझे भी चिप्स। या तो केक ले लेना या पापड़ ले लेना। मुझे चिप्स चाहिए था। ले आए आप? और अबुल हसन के लिए नहीं लेकर आए? पापा मैंने पीने लिए थे और मैंने उनको पकड़ा और माफ कर दिया था। अच्छा, अबुल हसन के लिए नहीं लाए? नहीं। क्यों? अबुल हसन के लिए नहीं है। और मुझे कौन देगा? मैं आपको दूंगा। ओ, 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 थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होगी। तो अभी रात का टाइम है और मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का। मैं नहीं बना रही, मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। बस मैं सिर्फ जो है चिकन को मैरिनेट करके रखूँगी, और ये जो है ना चिकन विंग्स है तो इसके हम बनाएंगे टिक्के। तो इसके टिक्के बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और यहाँ पे मैं आपको स्पाइसेस दिखा रही हूँ। तो चिकन में मैंने पहले हरी मिर्ची और हरी मिर्ची पीस के डाल दिए थी, और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, और थोड़ी सी मैंने इसमें दही डाली थी और एक नींबू का रस डाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने स्पाइसेस डाली। स्पाइसेस में मैंने हल्दी ली थी एक चम्मच, दो चम्मच मैंने पिसी मिर्ची लिए थे, थोड़ा सा मैंने हसबी ज़रूरत नमक लिया था, और एक चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया था, एक चम्मच मैंने मिक्स मसाला लिया था। तो बस ये सब कुछ डाल करके मैंने चिकन मैरिनेट करके रख लिया था। अभी आधे घंटे के बाद इसको मैं निकालूंगी। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है मैं बच्चों के लिए पराठा बना लूंगी चीनी वाला, क्योंकि वो काफ़ी देर में टिक्के बनेंगे तो बच्चे उस वक्त तक बहुत भूख लग जाएगी उनको। तो उनको मैंने पराठा बना के दे दिया। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ यखनी वाला पुलाव। तो टिक्के के साथ जो पुलाव है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। और आप सब भी टिक्को वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और घर के मसालों से जो है ना बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो बस यहाँ पे हमने दो ब्लॉक्स रख लिए थे और नीचे एक ट्रे रख लिया था। ट्रे के ऊपर लकड़ियाँ जो है वो हमने जला ली थी और उसके कोयले बना लिए थे। तो यहाँ पे टिक्के जो है वो थोड़े से सीख गए हैं, अब इनको मज़ीद तवे पे पकाएंगे, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनते हैं। तो थोड़े से हमने इनको कोयलों पे सेक दिए थे और उसके बाद जो है इन्हें हम बनाएंगे तवे पे, क्योंकि जो मसाला हमारे पास बचा हुआ था दही का और बाकी स्पाइसेस का, तो वो इसी के ऊपर तवे के ऊपर थोड़ा सा तेल डाल के फिर हमने वो सारा मसाला इसके ऊपर डाल दिया। मसाला थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो बस इसमें टिक्के शामिल कर लेंगे और ढक कर जो है इसको कोयलों पे पकने देंगे। तो इससे टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने हैं ये टिक्के। Thank you.
टिक्के जो है वो तैयार हो गए हैं और पुलाव भी जो है तैयार हो गया था। मैंने उसको कोयले का दम दे दिया था। बस अभी खाना जो है हमारा बिल्कुल तैयार है, तो खाना खाएंगे। तो बस यही तक था मेरा छोटा सा व्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। ओए 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 करम है अल्लाह का।